सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 के 38 मैच था बिटवीन सनराइजर्स हैदराबाद एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जहां एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद अपने पिछले दो मुकाबले जीत के कॉन्फिडेंस के साथ उतरी थी, वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 मैचेस में सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल कर पाए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन फैफ डुप्लेसिस टॉस जीतकर बॉलिंग चुने थे। पहले बैटिंग करने के लिए उतरने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बॉलर्स के सामने ट्रेविस हेड नाम का तूफान आया था। ट्रेविस हेड सिर्फ 41 बॉल्स पर 102 रन के तूफानी पारी खेले। फिर हेनरी क्लासन भी छक्कों की बरसात कर रहे थे। हेनरी क्लासन सिर्फ 31 गेंद पर 67 रन बनाए और अंत में अब्दुल समद भी आरसीबी के बॉलर्स को नहीं छोड़े। अब्दुल समद सिर्फ 10 बॉल पर 37 रन के तूफानी पारी खेले और सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 267 रन का टारगेट रखा था। चेस करने के लिए उतरने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भी शुरुआत दमदार हुई थी। एक तरफ फैफ डुप्लेसिस और दूसरी तरफ विराट कोहली अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन विराट कोहली के 42 रन पर आउट हो जाने के बाद फैफ डुप्लेसिस के साथ किसी भी प्लेयर ने नहीं दिया। फिर फैफ डुप्लेसिस के आउट हो जाने के बाद मैच आरसीबी के हाथ से फिसल गया था और ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद आसानी से यह मैच जीत लेगी, लेकिन दिनेश कार्तिक का इरादा कुछ अलग था। दिनेश कार्तिक सिर्फ 35 बॉल्स पर 83 रन के तूफानी पारी खेले और मैच को ऑलमोस्ट सनराइजर्स हैदराबाद से छीन लिए थे, लेकिन अंत में सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच को सिर्फ 25 रन से जीत लिया और ट्रेविस हेड बने मैन ऑफ द मैच। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस साल आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताना।